स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दास पेरेंट्स कनेक्शन में। दोस्तों आज हम नेक्स्ट जो आर्टिस्ट हैं प्रतोष दास गुप्ता जी, ठीक है, इनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स बनते हैं उनको हम लोग देखते हैं, देखेंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद में लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इनसे संबंधित प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे समय के अनुसार। ठीक है, और यदि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है दोस्तों इसके अलावा हमारा एक सुपर फास्ट रिवीजन का सीरीज चल रही है, वो भी आप देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का सेशन शुरू किया जाए। ठीक है, प्रदोष दास गुप्ता जी के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों इनका जन्म और शिक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों, यह हुआ था कहाँ पे, 1912 ईस्वी में बराकर ढाका बांग्लादेश में हुआ था। ठीक है दोस्तों यह एक भारतीय एशियाई आधुनिक तथा समसामायिक मूर्तिकार थे। ठीक है, क्या थे, मूर्तिकार थे, याद रखिए, ये समकालीन कलाकारों में आते हैं और यह कलकत्ता ग्रुप के भी सदस्य रहे हैं या उसके संस्थापक रहे हैं। ठीक है, आगे भी देखेंगे उसके बारे में। दोस्तों सन 1932 में इन्होंने क्या किया था, कोलकाता विश्वविद्यालय से स्नातक की, और इस वर्ष लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट में मूर्तिकला में प्रशिक्षण लेने के लिए प्रवेश किया था। ठीक है, तो प्रशिक्षण उन्हें मूर्तिकला कहा लिया था, लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, सन 1933 से 1937 तक गुप्ता, मतलब प्रदोष दास गुप्ता जी, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट चेन्नई में मूर्ति कला में प्रशिक्षित हुए। ठीक है, तो ये कहाँ से प्रशिक्षित हुए हैं, तो ये स्कूल का नाम क्या है, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट चेन्नई। ठीक है, यहाँ से प्रशिक्षण इन्होंने लिया था। ठीक है, यहाँ पर आपने देवी प्रसाद राय चौधरी की सन्निधि में मूर्ति कला की बारीकियाँ सीखी। ठीक है दोस्तों, तो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं हमारे बंगाल शैली के, देवी प्रसाद राय चौधरी। ठीक है, इनके सन्निधि में, इनके संरक्षण में रखकर इन्होंने वहाँ मूर्तिकला की बारीकियाँ वहाँ पे सीखी। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने रॉयल अकादमी ऑफ आर्ट्स लंदन और LCC सेंट्रल स्कूल लंदन से मूर्तिकला की पढ़ाई के लिए वजीफा भी इनको मिला था। ठीक है दोस्तों, और सन 1937 से लेकर के 1939 तक आपने एकोल द ग्रैंड चौमियर पेरिस में कांस्य ढलाई तकनीकी का प्रशिक्षण लिया। ठीक है दोस्तों, कहाँ से, एकोल द ग्रैंड चौमियर पेरिस में। ठीक है, कांस्य ढलाई का इन्होंने तकनीकी सीखा था, वहाँ प्रशिक्षण लिया था। ठीक है, सन 1940 में भारत लौटने के पश्चात इन्होंने कोलकाता में अपना एक स्टूडियो भी बनाया था। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा, सन 1943 में कोलकाता ग्रुप की स्थापना की इन्होंने दोस्तों, क्या की थी, कोलकाता ग्रुप की स्थापना कब की थी, 1943 में, जिनमें उनकी पत्नी कमला दास गुप्ता, ठीक है दोस्तों, कमला दास गुप्ता और उनके साथ ही कलाकार थे रथीन मित्रा, परितोष सेन, निरोध मजुमदार, गोपाल घोष, हेमंत मिश्र, शुभो टैगोर। दोस्तों ये सब मिला के 8 थे। ठीक है, तो इन्होंने सब लोगों ने मिल करके कलकत्ता ग्रुप की स्थापना 1943 ईस्वी में करी थी। ठीक है, तो यह इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे प्रश्न घुमा करके पूछ लेता है कि यह कोलकाता ग्रुप से संबंधित कौन ऐसे कलाकार है रखते हैं। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, ऐसे भी पूछ लेगा कि कौन नहीं रखते हैं, उसमें से 3 दे दिया जाएगा, चौथा एक अलग दे दिया जाएगा, तो इस तरह से प्रश्न बना सकता है। ठीक है, तो याद रखे रहिएगा। अब अगला जो देख लेते हैं, इस समूह का मुख्य ध्येय चित्रकारों को संस्था में चल रही कला विधियों से स्वतंत्र करना था, जिससे वे अपनी कला को सीधे समाज तक प्रेषित कर सके, यानी औपचारिक कला का शैलियों से अलग करना, मतलब जो औपचारिक कला था उससे अलग कुछ करना। ठीक है, कोलकाता ग्रुप, अगला जो हमारा पॉइंट है, कोलकाता ग्रुप पहला ऐसा आधुनिक समूह था जिसने विभिन्न भारतीय शहरों में प्रगतिशील कला आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके पश्चात प्राण कृष्णपाल, गोवर्धन एस, बंसी चंद्र गुप्ता इस समूह में सम्मिलित हुए। ठीक है, इसके बाद सन 1955 में प्रदोष रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स लंदन से फेलो नियुक्त हुए। ठीक है, कहाँ से फेलो नियुक्त हुए थे, प्रदोष की रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन से
फेलो नियुक्त हुए थे। ठीक है, याद रख रहे, ये भी एक प्रश्न बनता है यहाँ से, क्या अगर पूछ ले कि इनको कब रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स लंदन के फेलो नियुक्त किया गया था, तो आप क्या बताएंगे सही उत्तर इसका, 1955 में। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, सन 1957 और 1970 तक प्रसोद ने नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में क्यूरेटर के पद पर है। ठीक, ये भी एक प्रश्न बनता है दोस्तों, यहाँ इसको देख लीजिए, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, 1957 से 1970 तक ये प्रदोष जो थे नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जो कि नई दिल्ली में है वहाँ के क्यूरेटर पद पर रहे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है हमारा दोस्तों, इन्होंने क्या यहाँ 13 वर्ष के कार्यकाल में, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे 13 वर्ष कार्य किया था। ठीक है, क्यूरेटर के पद पे, फिर कार्यकाल में एम एफ हुसैन, एफ एन सूजा, तैयब मेहता, राम कुमार और एस रामचंद्रन जैसे प्रगतिशील कलाकारों के कार्यों यानी चित्रों को गैलरी के संग्रह के लिए खरीदा। ठीक है, उनके चित्रों को उन्होंने खरीदा मॉडर्न आर्ट गैलरी ऑफ जो ये है, क्या है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स दिल्ली, नई दिल्ली में जो है उसको ऊंचाइयों तक इन्होंने पहुंचाया था। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट है दोस्तों, हेडिंग पुरस्कार और सम्मान, अब इनके पुरस्कार और सम्मान को देख लेते हैं क्या इनको मिला था। ठीक है, प्रदोष दास गुप्ता को अपने जीवन काल में कई दोस्तों इनको पुरस्कार और सम्मान मिले थे, जैसे कि सन 1955 में रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स लंदन से फेलो निर्वाचित ही हुए थे, उसके बाद 1963 में यूएस सरकार द्वारा लीडर्स ग्रांट के अंतर्गत बुलाया गया इनको। ठीक है, कब बुलाया गया था, 1963 में। ठीक है, और 1973 में दोस्तों इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सर्टिफिकेट ऑफ में। दोस्तों अब हम इनके प्रमुख शिल्प मूर्ति शिल्प को देख लेंगे, इनके प्रमुख शिल्पों में क्या क्या है, एग है, पालना है, और आपका टीवी सटीड फॉर्म है, 3 अनुग्रह है, सन वारसीपर्स है, और एक डांस है, एक बर्ड है, मदर एंड चाइल्ड रिक्लाइनिंग है, सूर्यमुखी है, हलवास है, राइस है, महिला टोकरी के साथ वधु। ठीक है, ये सब है। ठीक दोस्तों, ये मूलतः मूर्तिकार थे और मूर्तिकला की शिक्षा किसे ली थी उन्होंने, हिरण चौधरी व डी पी राय चौधरी से प्राप्त की थी। ठीक है दोस्तों, इनके और भी कुछ महत्वपूर्ण शिल्प हैं, ये एग्जाम पूछे हुए हैं उनको देख लेते हैं, जैसे आपका मदर अर्थ है। ठीक है, मदर अर्थ धरती माता, जय हिंद दोस्तों, ये बनाया गया कांस्य में। ठीक है, फर्स्ट बॉर्न इन बॉन्डेज मदर एंड चाइल्ड, कैक्टस फैमिली, ट्विस्टेड फॉर्म, प्राउड मट, कंडोलसेंस, ये बना है दोस्तों आपका कांस्य में, सन बाथिंग ये भी कांस्य में बना है, कैक्टस फैमिली, ठीक है, माँ का गोद, ये सीमेंट से बनाया गया। ठीक है, अब चलते हैं और अगले पॉइंट की तरफ दोस्तों, प्रदोष कुमार गुप्ता जी के जो भी बनाए गए हैं शिल्प वो किस आकार में है, वो अंडे के आकार से प्रभावित रहे। ठीक है, तो अंडे के आकार में ज़्यादा बने, उनके जो मूर्ति शिल्पों में ये आकार बखूबी प्रदर्शित किया गया है, उनके मूर्ति शिल्पों में किए गए प्रयोगों को क्या कहा जाता है, इंस्टेंट स्कल्पचर। ठीक है, तुरंत मूर्ति अंकित किया गया, मतलब इसको ये संख्या दी गई। ठीक है दोस्तों, इनकी जो मृत्यु हो जाती है वो कब होती है, 1991 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब इनसे संबंधित जो भी हमारे अभ्यास प्रश्न बनते हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा, प्रदोष दास गुप्ता के प्रमुख शिल्प कौन है, तो प्रदोष दास गुप्ता के प्रमुख जो शिल्प हैं दोस्तों वो हैं माँ की गोद है, जय हिंद भी है, कंडोलेंस भी है। ठीक है, तो इनमें से सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रदोष दास गुप्ता के गुरु कौन थे दोस्तों, प्रदोष दास गुप्ता के जो गुरु थे वो थे आपके हिरण्यम राय चौधरी और देव प्रसाद राय चौधरी। ठीक है, ये इनके क्या थे, मूर्तिकला के गुरु थे। ठीक है, मूर्तिकला के इनके गुरु थे। प्रदोष दास गुप्ता के मूर्ति शिल्प का माध्यम क्या था दोस्तों, इनका जो माध्यम था, तो दोस्तों यह आपके कांस्य में बनाया है, प्रस्तर में बनाया, टेराकोटा में बनाया। ठीक है, इसलिए इसका सही जो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा दोस्तों देख लेते हैं, प्रदोष दास गुप्ता को किस आर्ट गैलरी का क्यूरेटर बनाया गया था, तो दोस्तों यह बनाया गया था नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स नई दिल्ली। ठीक है, इनको बनाया गया था क्यूरेटर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वर्ष 1947 में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किसने की थी, तो कलकत्ता ग्रुप की स्थापना जो हुई थी दोस्तों वो की थी प्रदोष दास गुप्ता ने। ठीक है, प्रदोष दास गुप्ता जी ने करी थी। ठीक है, कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो दोस्तों कलकत्ता ग्रुप की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1943 में। ठीक है, 1934 में हुई थी। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है देख लेते हैं,
समकालीन भारतीय कला में कलकत्ता ग्रुप के एक ऐसे कलाकार का नाम बताइए जिनका जन्म बांग्लादेश में हुआ था, तो वो कौन थे? वो प्रदोषदास गुप्ता जी थे, ठीक है, प्रदोषदास गुप्ता जी थे, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहे दोस्तों, प्रदोषदास गुप्ता किस कला में प्रवृत्त थे? तो दोस्तों प्रदोषदास गुप्ता जो थे, प्रदोषदास गुप्ता वो थे मुख्यतः मूर्ति कला में, ठीक है, मूर्ति कला में वो थे, ठीक है। प्रदोषदास गुप्ता ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो दोस्तों उन्होंने जो कला की शिक्षा प्राप्त की थी वो की थी कलकत्ता से, ठीक है, कोलकाता से करी थी, ठीक है। ये दोस्तों दोबारा पूछ लेगा प्रदोषदास गुप्ता, अगला देखते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों वो बांग्लादेश के ढाका में हुआ था, बांग्लादेश के ढाका में हुआ था, ठीक है। प्रदोषदास जी का कौन सा शिल्प सीमेंट में बना है दोस्तों? तो ये सीमेंट में कौन सा बना है दोस्तों? इनका जो माँ की गोद, ये क्या है? सीमेंट के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अगले जो भी आर्टिस्ट को लेकर के आएंगे, ठीक है, इसी तरह हम लोग उसको भी देखेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों हमारे यदि आपको यह सेशन पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा और लोगों में शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, धन्यवाद।